गाइस, मैं रुखसार सर जी, मोहम्मद वक्तार, मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो के, वीडियो फनी सी मुझे लग रही है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पाकिस्तान इंडिया, आई थिंक ये शॉर्ट सी वीडियो है। तो देखते हैं, पहले एक तरफ इंडिया का लड़का, एक तरफ पाकिस्तानी लड़का, देखते हैं क्या असल है इस वीडियो में, फिर देखते हैं रिएक्शन। मैं लगाऊंगा लग जाएगा पता बाप को। चल जाओ, चल चल। सुन, अब क्या काम पड़ गया तुझे? ये जो तूने टेप ली थी ना मुझसे कल, वापस कर। चल, टेप दे मेरी। बेटा पैसे किसके लगे थे? लेके भी मैं आया था, पेट्रोल भी मेरा लगा था। दे। हाँ, ये ले ये ले, हमसे आया तू अपना, तभी दे दिया। अब बोल। थक गया यार। चल, खाना खाने चलते हैं। चल। ओए, हाँ, क्या चाहिए? बड़ी फनी भी थी इसमें, लेकिन मैसेज भी बहुत बड़े थे। आपने शायद गौर नहीं किया। नहीं, बड़ी बड़ी बातें मिलती है इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात यह है कि इज्जत दिल में होती है, पा करने से छान ही मिलती। एक माकूला है कि आज़ादी वाले दिन बाजे बजा कर ही क्यों सिर्फ ये बताया जाता है कि हम आज़ाद हैं। ऐसी आज़ादी नहीं मनाई जाती। आज़ादी अगर मनानी है ना, अपने उस इंडिपेंडेंस डे वाले दिन को नई चीज़ ईजाद करके दिखाएं, ये आज़ादी है। कोई उस दिन को ट्रिब्यूट देने के लिए कोई नई से नई, मतलब कि ना आपको नहीं कहीं भी नहीं लगी, वो पसीने के साथ चिपका रहा था, आपको नहीं नहीं लगी यार, क्या हो गया यार? वो असल में इधर पाकिस्तान की थोड़ी सी कसमापुर से भी बताई जा रही है कि उनके पास मतलब फ्लैग लगाने के लिए भी वो नहीं है। कहता मैं लेने नहीं गया, वो कहता है पैसे तो मैंने दिए थे, कहता मैं लेने नहीं गया। मतलब ये भी मैसेज था कि हम इकट्ठे भी यार, उनका इख्तलाफ भी था और आप में उन दोनों की मोहब्बत भी थी, ठीक है। लेकिन वीडियो शॉर्ट से थी, बड़ी मज़ेदार थी, फनी भी थी, लेकिन इसमें पैगाम भी थे कि भाई हम इकट्ठी भी इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं, मना सकते हैं, या एक दूसरे का एहतराम करते हुए भी मना सकते हैं। लगता है कि आप भी इकट्ठी मना सकते हैं, मतलब एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इससे यही चीज़ सबक मुझे तो यही समझ में आई कि हमें इंडिया को हमारा एहतराम करना चाहिए हमारे डे का, और हमें उनका एहतराम करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, ये नहीं ऊपर से खुशामत नहीं करनी चाहिए, दिल से एहतराम करना। और दूसरा बाजे नहीं बजाना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं बजाना चाहिए। अगर आप यार कोई हल्ला गुल्ला हो जाए तो कोई नहीं, अगर बाजे बजा रहे एक दिन अगर वो चले कौन सी है, कोई बात नहीं यार। नहीं, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, किसी का मौका होता है तो लाजमी बात है कि बाजे बजा लेने चाहिए, क्योंकि कल पक्का था डे था। तो कल एक छोटा सा लड़का आई थी, उसकी एज ज़्यादा ज़्यादा 6 साल होगी, छः साल, वो बाजा बजा रहा था। तो किसी ने पूछा यार ये क्या कर रहे हो, बाजे बजाए जा रहे हो?
जो उसने जवाब दिया ना, मैं कहता हूँ वो हिस्ट्री तक याद रखा गया था काफ़ी सालों तक। उसने कहा ये नहीं कि वो वीडियो बनाने के लिए, वो कोई गली चुराहे में बजा रहा था कि किसी ने वीडियो बना ली, पूछा यार ये क्या बाजा शोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने से बाजा बजाया था, हमसे आप पूछ रहे हैं, जिन्होंने मुल्क की बैंड बजा दी उनसे कौन पूछेगा? आया ना जो उसके बच्चे का जवाब, बच्चा होकर इतना अच्छा उसने जवाब दिया, कमाल का जवाब दिया। होता कि बच्चे किसने बजाया? मैं कहता हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका जवाब सुन के। उसने कहा कि मैं बाजा बजा रहा हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं बैंड बज चुकी, और जिन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी उनसे कौन पूछेगा? उनसे अल्लाह पूछेगा। मेरी बात सुनो, हमारे तो पंजाब पुलिस थी, वो छीन रही थी, किसी के पास थे ना असलम भाई, अगर वो बजा रहा था रोड के, पीटीए फ्लैग भी नहीं लगाने दे रहा, वो भी नहीं लगाने दे रहे थे, ये जो ये भी बाजा भी छीन रहे, ऐसे ऐसे जो है ना असल आजाद इंडिया, जैसे जो पीटीआई की इज्जत या एहतराम है वो और बढ़ लो में, वो काम करेंगे, कभी भी नहीं निकाल सकते। जितना लोगों को दबाते हैं उतना लोग ज्यादा, यानी कि आपको पता नहीं, असल में ये अपने 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 लिए नफरत पाल रहे हैं, जो ये ऐसा कर रहे हैं या सोच रहे हैं ना, वो अपने लिए नफरत पाल रहे हैं लोगों के दिलों में। हमें असल में मार्शल लॉ इस वक्त आपको पता है, इसी तरह सिविल मार्शल लॉ, एक मार्शल लॉ होता है मिलिट्री मार्शल लॉ, सब आगे पॉलिटिशियन या कोई हुक्मरान कर दिया, पीछे खुद हैंडल कर दिया कुछ नहीं। क्या कहते हैं जो निगरान वजीर आजम बना है बलोचिस्तान, मजा तो तब भी ना, उन रुखसार भी मेरी बात सुने, बलोचिस्तान का बने, थोड़ी सी छोटी सी बात, उनको चाहिए अपने बलोचिस्तान के हालात बेहतर करना। अब उनके पास मौका है, जो अब भी नहीं वो कर सकते तो फिर हम लोगों को क्यों किला देते हैं बलोचिस्तान का, आप ख्याल नहीं रखते यार? उनके पास पावर है, वो लोगों को साफ पीने का पानी दे, बकाया तलीमी याफ्ता इदारे उधर स्कूल वगैरह ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा एक और बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो असल में आजाद है ना वो इंडिया आजाद, भाई वो मेरी बात सुने ना, इसलिए मैंने आजादी मनाई नहीं, मैंने तो नहीं मनाया, मैं भाई आप हम लोग गए नहीं यार, बस वैसे काम था उसके सिलसिले में गए, लेकिन आजादी जुदी इस तरह से लोगों को आजादी मनाते हुए देखता रहा हूं और खुद शर्मिंदा होता रहा हूं कि यार इनसे बंदा कोई पूछे क्या हम आजाद हैं, ये हम आजाद हैं, ये जो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। 50 किलोमीटर कल मैंने तय किया, ठीक है ना, एक सिरे रस्ते मैंने पीटीआई के लोग मुझे मिले। देखिये भाई आजादी मनाने पिछली वीडियो हमने किया ना, तो वहाँ पे हमने फौजी भाइयों को लिया, फौजी भाइयों को देखा मोटरसाइकिल पे वो बैठे हुए हैं और आवाम के साथ खड़े हैं और आवाम उनकी वीडियो बना रही है, उनको अप्रिशिएट कर रही है, तो ये होती है आजादी। ये नहीं है कि अगर किसी भी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ, भाई मेरी बात सुनो, ये दिन थे, मेरी बात सुनो, छोटी सा ऐड कर दो, ये बात थे, हम लोग की इज्जत करते थे यार, जब पता नहीं था, जब पता नहीं था, जब अंजाम थे, अंदर की बातें पता चली तो फिर अब दिल चला जी, ऊपर से खुशामद ही करनी थी। ये वीडियो में भी नोक झोंक थी इंडिया और पाकिस्तान की, और मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं खुद करता हूँ इंडिपेंडेंस डे पर, वो भी हकीकत में आजाद है, वो हकीकत में हम लोग नहीं आजाद नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।